अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद का तहलका खेज बयान। तनवीर अहमद का कहना है कि पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट की गई है, अगर जिम्बाब्वे के दौरे पर भेज दी जाए तो जिम्बाब्वे भी इस टीम को क्लीन स्वीप कर देगी। तनवीर अहमद ने पीसीबी को खबरदार कर दिया है कि अगर वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो इन चार सिफारशी प्लेयर्स को स्क्वाड से बाहर किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको करते चले कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया है जिनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। सबका फास्ट बॉलर तनवीर अहमद का कहना है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में फखर जमान, मिडल बैट्समैन सलमान अली, आगा और ऑल राउंडर कहलाने वाले शादाब खान को किस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट किया गया है। तनवीर अहमद का मानना है कि शादाब खान की पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए टीम में जगह भी नहीं बनती, ऊपर से शादाब खान को नए कप्तान बना दिया गया है, ये नौजवान प्लेयर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। फास्ट बॉलर तनवीर अहमद जिन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं उनमें नंबर वन पर है ऑलराउंडर इमाद वसीम, नंबर टू विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, नंबर लाइक स्पिनर इब्रार अहमद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट प्लेयर्स का नाम हमसे जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।